एंड टेस्टी फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल छोले की रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं अपनी ये रेसिपी। शुरू करते हैं। हमने गैस पे रख लिया कुकर। कुकर में डाल दिया है मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल। अब इसमें हम डाल देंगे तेज पत्ता, 2-3 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटी इलायची, 5-6 डाल देंगे इसमें हम लौंग। अब ये सारे मसाले हमारे तड़कने लगे हैं। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। अब हम इन्हें बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। देखिए हमारा प्याज भून रहा है और ये मैं आपको 250 ग्राम छोले के हिसाब से बता रही हूँ। ये मैंने 2 बड़े साइज का प्याज लिया था, 8-10 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था और फिर हम इसे भून रहे हैं। तो देखिए अब प्याज हमारा भून चुका है। प्याज भूनने में थोड़ा टाइम तो लगता है। अब इसमें हम डाल देंगे 4 टमाटर, उसका हमने पेस्ट बना लिया है, इसे भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। पिसे हुए मसालों में हम यहाँ पे लेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देंगे मिर्ची पाउडर। 2 मिनट हो चुका हमें इसे भूनते हुए। अब इसमें हम डाल देंगे अपने पिसे हुए मसाले, इसे भी भून लेते हैं। देखिए अब हमारे मसाले भून चुके हैं अच्छी तरीके से। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। यहाँ पे ले लिया है मैंने 250 ग्राम छोले, इसे हमने ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था। इसमें हम डाल देंगे अपने छोले, इसे हम मिक्स कर देते हैं। पानी हम इसमें थोड़ा और डाल देंगे। यहाँ मैंने रख लिया एक बर्तन, उसमें डाल दिया है 1 कटोरी पानी और इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच चाय पत्ती और इसे पका लेंगे। अब अपने छोले में डाल देते हैं 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच डाल देंगे हम छोले मसाला। टेस्ट अनुसार डाल देंगे नमक। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच मीठा सोडा। इधर हमारी चाय पत्ती का पानी पक चुका है, इसको अब हम इसमें डाल देते हैं। इसे बस हम एक बार मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे। अब 1 सीटी आने तक हम बिल्कुल हाई फ्लेम पे लगा लेंगे हम 1 सीटी और 3 सीटी हम लगाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए 4 सीटी लग चुके हैं। अब हमारे छोले बनकर तैयार हो चुके हैं, देख लेते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। थोड़े से अदरक के टुकड़े और धनिए से हम गार्निश कर देते हैं। तो देखिए हमारे छोले बनकर तैयार हो गए। इसी तरीके से आप भी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।